अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुबई पिजन क्लब में खुश आमदीद कुर्बान भाई के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक बच्चे का मैं ट्रीटमेंट कर रहा था, तो ये बच्चा अभी बहुत बुरी तरह ही मतलब एक कमज़ोर हो गया है। और इसकी यहाँ से आप देख रहे हैं ये सीप निकली हुई है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल इसका बहुत ही बुरा हाल है। अभी ये दाना तो उठा रहा है, ये दाना भी मतलब बहुत कम ही उठा रहा है। तो ये मेरे घर का 8064 नंबर जोड़े का पट्टा है, तो ये इसकी आँख है। तो ये अभी देख लें, इसने सिर्फ अभी दो ही कलियों का बच्चा ही है, दो कली का, और इसकी हालत बड़ी टाइट है क्योंकि मैं इसे टाइम नहीं दे पाया। मैंने दूसरी ट्रीटमेंट की इसके, मैंने सोचा इसे जहर बाद है, वो भी इसके से मैंने मेडिसिन दी इसे, लेकिन फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो आज मैं इसकी ट्रीटमेंट दूसरी कर रहा था, देसी वाली। तो पहले मेडिसिन वाली कर रहा था, आज फिर देसी वाली कर रहा हूँ। तो वो क्या कर रहा हूँ वो मैंने कहा चलें अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दूँ। तो अभी मैं इसकी ट्रीटमेंट बहुत ही आसान सी है बिल्कुल। तो ट्रीटमेंट क्या है, तो ये आप देख लें। ये अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है। ये जो है जनाब आटा है, आटे का मैंने छोटा सा पेड़ा बनाया, बिल्कुल इतना सा पेड़ा बना के उसमें अचार का तेल मिक्स किया है, सिर्फ अचार का तेल। तो इसमें मैंने अचार का तेल मिक्स करके अच्छी तरह इसे मैंने इतने से पेड़े में मैंने उतना ही अचार का तेल लिया जितना एक एक मैं इसे भी हाथ में लगा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि हाथ में लग रहा है बिल्कुल चिकनाहट। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये इलाज है। तो 3 दिन मुझे देना होगा इसे, अभी उतना ही दूंगा कि ये जितना मतलब है बर्दाश्त कर सके। तो ये ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल सी है, यानी अचार का तेल लेके छोटा सा गंदम का आटा का कच्ची पकी मतलब है पेड़ा बना लें छोटा सा, उसे कच्ची पक्की कर लें रोटी तवे पे, और उसके बाद फिर इसे आप हाथ की मदद से इसे अपना गूंद लें, और गूंदने के बाद फिर इसे दे दें, बना के इसे दें। और ये यकीन करें बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये मैं अभी इसे दे रहा हूँ और इंशाल्लाह 3 दिन दूंगा इसे, 3 दिन देना है मैंने इसे लगातार। तो ये साथ में मैं दिखा भी रहा हूँ कि भाई ताकि ये अपना, और इसी तरह करना है इसे बिल्कुल हाथ की मदद से, इसके हलक से नीचे उतर जाए दाना और ये खा लें। तो ये थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे नहीं है क्योंकि बिल्कुल ही कमज़ोर सा हो गया, सीप निकली हुई है बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ख़त्म सा, जैसे आप बिल्कुल कह लें। तो बहुत ही मतलब है कि कमज़ोर सा है। तो अभी इसे मैं दे रहा हूँ, तो ये आराम आराम से दूंगा ताकि ये उतार ले नीचे। देखें ये फंस रहा है इसके, अभी आप देख रहे हैं इसके गले में खुश्की, मतलब ना पानी पी रहा है ना ही दाना खा रहा है। तो इसके जो है पोटा जाम ऐसे लग रहा था, तो जिसकी वजह से ये ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। तो पहले भी एक ये ट्रीटमेंट मैंने की थी और काफ़ी फ़र्क पड़ा उस कबूतर पर, और वो सही हो गया बिल्कुल, आजमूदा है मेरा ये इलाज और मैं ये करता रहता हूँ। तो अभी ये इसने नीचे ले लिया, तो मैं अभी इसे दूसरा देने लगा हूँ। कम से कम मैं इसे 5 या 6 दूंगा, ये आप जो उतना बना लें कि इसके हलक से उतर जाए, ठीक है ना, हलक से उतर जाए। ताकि सिर्फ 3 दिन देना है, अब पहले दिन इसे थोड़ी सी परेशानी होगी, और जिसके कबूतर मतलब है कि ये खाते हैं गंदम का आटे की रोटी बना के, तो वो अपना तेल में मिक्स करके थोड़ा सा अचार के तेल में रोटी बना के खिलाएंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा। तो कोई पोटा भी जाम नहीं होगा, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो कबूतर बिल्कुल सेट रहेगा। तो अभी इसे दे रहा हूँ मैं, तो अभी इंशाल्लाह तो 5 मैंने ये ज़्यादा बनाए हुए जो कबूतर को खिला दूंगा, कोई नुकसान नहीं है बिल्कुल, किसी किस्म का नुकसान नहीं है, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है।
तो बिल्कुल अभी दिखा देता हूँ आपको वो कबूतर भी मैं, उसकी हालत भी बड़ी टाइट है। तो अभी वो अभी काफ़ी बेहतर की तरफ गया है और अभी उड़ के ऊपर भी बैठता है। तो अभी ये जो है ये दाना उतार ले नीचे, तो मैं अभी वो कबूतर दिखा देता हूँ आपको। जनाब ये वो कबूतर है, इसकी हालत अभी आप देख लें कि इसने पोटा भी भरा हुआ है और काफ़ी बेहतर हो गया है। ये देखें इसकी सीप बिल्कुल कम हो गई है। ये कबूतर के आप बैकग्राउंड में मेरे वीडियो में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये वही कबूतर है जो बिल्कुल ख़त्म था, इससे भी ज़्यादा ही ख़त्म कबूतर था ये। और ये मेरा जो है आप देख लें, ये आँख का शौक कर लें इसका, ठीक है। और अभी तो इसने पर भी निकालना शुरू कर दिए, ये देखें आप, पर काट दिए थे मैंने इसके, खुला छोड़ दिया था इसे पिंजरे में। तो ये आप देखें इसका, अभी इसने पर भी गिराना शुरू किया और ये देखें ये नई कली आई हुई है इसकी। तो अभी काफ़ी बेहतर पे जा रहा है और इसकी ये दुम भी देखें बिल्कुल ख़त्म हो गई है ये। तो अभी इसने पर निकालना शुरू किए हैं ये, यहाँ से देखें आप, तो अभी ये इंशाल्लाह बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो अभी काफ़ी वज़न भी आ गया, अभी तो उड़ के वो वहाँ पर भी बैठता। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत फ़ायदेमंद बनाएगी इंशाल्लाह। आजमूदा इलाज है, जो आजमाएगा बड़ा ही फ़ायदा होगा उसे। तो इसी के साथ ही अपने कुर्बान भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।